आदिल भाई आ गया, आदिल भाई। आइए आदिल भाई, क्या बात है, कैसे हो? अरे सर भी आ गए साथ में। आइए सर। अरे इधर ही रुके, इधर ही रुके, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? बड़ी खबर आ रही, बिग बॉस 17 में आप लोग जा रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं। देखो बाहर बारिश भी पड़ रही है, आप लोग थोड़ा अंदर आ जाओ, इधर बैठ के बात करें। अंदर म्यूजिक चल रहा है। नहीं मैं कराऊंगा, बंद कराऊंगा, आ जाओ। चलो क्या बात, क्या है? नहीं हमने तो ऐसा कुछ अभी तक बोला नहीं है, हमने डिक्लेयर नहीं किया है, बस खाली इतना हमने बोला है कि बहुत सारी बिग न्यूज़ और गुड न्यूज़ है, और जैसे जैसे होते रहेगी हम एक एक चीज़ आपके सामने बोलते रहेंगे। आदिल आप क्या कहना चाहोगे, आप बिग बॉस और और, और 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 हम एटलीस्ट राखी की तरह तो नहीं कर सकते, जैसा एयरपोर्ट में खड़के, जैसे सड़क में खड़के अनाउंसमेंट करके हमें मीका जी के साथ गाने करने वाली हूँ, ऐसे तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे। और नंबर वन चीज़, हमारे मुद्दे पहले, हमारे बैटल्स ख़त्म हो जाए, और मेरे बिग बॉस के बारे में कहा ही नहीं था मैंने, ये कहा था हाल ही में एक बार, अगर ऐसा कुछ रियलिटी शो भी नहीं बोला था, ऐसा कुछ है जहां मेरी और राखी की सच्चाई लोगों तक आ जाए, ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी चीज़ मैं मानूंगा। बट हाँ, आई विल नॉट अनाउंस एनीथिंग इन दिस बैटल फॉर श्योर। ओके, आज कुछ आप खुलासा करने वाले थे जिस वजह से सबको बुलाया गया है, क्या कहना चाहूँगी, क्या वो चीज़ है जिसका आप खुलासा करने वाले हो? कि राखी ने हमारे होम के साथ खिलवाड़ किया है, राखी ने दुबई से टूरिस्ट वीज़ा बना के, टूरिस्ट वीज़ा में मदीना गई थी और मदीने से ट्रेन पकड़ के उमरा गई थी, और आप वहाँ पे वीडियोस में देख सकते हो, राखी को खुद को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, राखी जाके उधर एक वीडियो में आप सुन सकते हो कह रही है कि इसके चक्कर लगाना पड़ता है कि हमको, राखी काबेतुल्ला शरीफ के और तवाफ़ के बारे में मजाक मत करो, जो तुमने ऑलरेडी मजाक बना दिया था, आज तक मेरे पास प्रूफ नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं आ रहा था, इसको लेके मैं सऊदी भी जाने वाला था, हालांकि मैं उमरा करके उनको मिलने भी वाला था, लेकिन अल्लाह का मेरे पे बहुत बहुत करम है, हाँ उमरा तो मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अल्लाह का मेरा बहुत बहुत करम है कि मुझे सारे एविडेंसेस अभी मिल गए, सऊदी गवर्नमेंट के लोग ने मुझे भेजा है, राखी की वीज़ा कॉपी उन्होंने भेजा है, और वी हैव ऑलरेडी फाइल थिंग्स सऊदी गवर्नमेंट पे के ऊपर, और दुबई गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी से हमने ये भी पूछा है कि राखी कैसे गई थी, क्या हुआ, पूरी की पूरी हमें डिटेल चाहिए, और ये रही राखी की वीज़ा कॉपी जिसमें साफ साफ लिखा है राखी टूरिस्ट वीज़ा पे उमरा गई थी। एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड, मैं विदाउट एविडेंस बात नहीं करूँगा, ये रहा मेरे सामने एविडेंस जिस पे इधर लिखा है टूरिस्ट वीज़ा, और ये राखी है, डेट हर चीज़ इसमें है, और हमने एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन का ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन भी डाला, हमारा 4 पेज का एप्लीकेशन जिसपे मेरे दस्तखत भी हैं, इसके लास्ट शब्द, और सऊदी गवर्नमेंट मुझे इसलिए सपोर्ट कर रही है बिकॉज मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ, और वो मुझे पहले सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपका निका नाम आप शेयर कर सकते हो जिसमें उनका नाम फातिमा है, जिसमें उनका नाम फातिमा नहीं है, राखी आनंद सावंत है, मैंने उनको ये भी शेयर कर दिया। उसके बाद जाके जब उनको भी पता चला कि कुछ घपला हुआ है हमारे साथ, तब जाके उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आगे भी अभी मिलने वाली है, लेकिन कीपिंग दोस थिंग्स अपार्ट, राखी तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल कि आपने खोम इस्लाम मेरे भाई मेरे बहनों के साथ इतना बड़ा घिलौना काम कर दिया, राखी आपने उधर भी जाके अपने रील्स ही बनाए थे, फोटो शूटिंग किए थे, आने के बाद भी तुम क्या कर रही हो राखी, वापस आने के बाद भी तुम क्या कर रही हो राखी, कहाँ गया तुम्हारा बाया, कहाँ गया तुम्हारे इस्लाम के बातें, okay.
कहाँ गया? और तुम क्या बोल रही थी, कोई गैर मर्द मर्द मेरे से दूर रहो। आज क्या हुआ राखी, तुम तो खुलेआम एयरपोर्ट में आके देखो, तुम्हारा आया नहीं है, तुम्हारे कपड़े देखो क्या हो गए राखी, और तुम आके चिपक रही हो सबके सामने। और थोड़ा तो सब्र करो राखी, उसके बाद तो तुम्हारे ड्रामे रहने, बॉयफ्रेंड बनाने के, उसके साथ गंदगी करने के तो तुम्हारे कभी भी बंद नहीं होंगे। थोड़ा तो इंतज़ार करती, हमारा प्रॉपरली हमारा सब्रेशन तो हो जाता। ऑलरेडी आके खड़ के डिक्लेयर कर रही हो खुले अल्फाजों में कि म्यूट माई न्यू हीरो। तीन तीन दिन वो बंदा तुम्हारे घर में रह रहा है, उनको थोड़ी शर्म नहीं आ रही है कि आदिल एक टाइम में आपके घर में रहता था, उस इंसान को तुम उस घर में रख रही हो। शर्म नाम की कुछ चीज़ भी है, उसका भी मेरे पास एविडेंस है। बिल्डिंग की पूरी सिक्योरिटी आके मेरे से बात भी कर सकती है, और मेरे पास एविडेंसेस भी है जहाँ वो कह रहे हैं सर एक लड़का आके 3 दिन से राखी मैम के घर में रह रहा है, और उसकी पार्किंग में गाड़ी भी उसकी खड़ रही है, गाड़ी के नंबर के साथ, फोटोज़ के साथ। थोड़ी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है राखी ये सब करते हुए? मेरा और आपका मामला ठीक था, आप तुम्हारे और रब के मामले हो गए। वहाँ भी आप कर रही धोखे दे रही हो, मेरे साथ धोखे दे रही हो, कितने लोगों को, एटलीस्ट उसको तो, उसके तो एक बीवी और 3 बच्चे हैं शाबाश के मैसूर में। एटलीस्ट मैं उनको भी कहना चाहूँगा थोड़े आपके शोहर को कंट्रोल करो, वरना इस औरत तो घर बर्बाद करेगी ही करेगी, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी, छोटे छोटे तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं। थोड़ी आपको समझदारी नहीं है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे पे। कहाँ गया बाया, कहाँ गया नमाज, तुमको नमाज के बारे में कुछ पता भी है? उधर तुम क्या बोल रही हो कि फेरे कैसे लगाएं, चक्कर कैसे लगाएं, काबा और तवाफ के बारे में तुम बात कर रही हो? प्लीज़ गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से जुड़ें और इस मुद्दे को हमको बड़ा बनाना है, बिकॉज मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में राखी कोई भी रिलीजन को लेके खेले, उसको जो करना करे, 10 बॉयफ्रेंड बनाए, 10 शादियां और करे, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के बाद इज़ अ क्लोज चैप्टर फॉर मी, हिंदू मेरे भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, मुसलमान मेरे भाइयों के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो उसने बहुत घिनौना काम ऑलरेडी किया है। वी हैव टू पुट अ स्टॉप एंड एंड टू इट। राखी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे तक तो ठीक था, अभी इस्लाम के साथ भी उसने किया है। थैंक यू।